नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये खास प्रोग्राम हम महिलाओं के लिए लेकर आए हैं। वो महिलाएं जिनका प्रेमी उनसे बात नहीं करता या पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में आ गया है और घर पर आप पर और आपके बच्चों पर ध्यान नहीं देता, और इससे हम लेकर आएंगे आपकी परेशानियों का निजात। मासिक धर्म के व्रत से वशीकरण करेंगे। जी हाँ, मासिक धर्म किसी भी स्त्री के जीवन का अनिवार्य हिस्सा होता है। जैसे ही कोई युवती अपने यौवन की पूर्णता को प्राप्त होती है, उसका मासिक धर्म शुरू हो जाता है। मासिक धर्म में वो शक्ति होती है कि इसी के परिणाम स्वरूप इस दुनिया में मनुष्य जाति का विकास संभव हो पाया है। इसलिए प्राचीन काल में ही तंत्र के जानकारों ने मासिक धर्म को बहुत उपयोगी माना है। मासिक धर्म के रक्त की शक्ति से किसी को भी आकर्षित किया जा सकता है। ऐसी युवतियां जो अपने पति या प्रेमी का प्यार पाने में असफल हो गई हैं, उन्हें मासिक धर्म के रक्त से वशीकरण के प्रयोग को जरूर करना चाहिए। ये एक ऐसी वस्तु है जो हर स्त्री को सहज ही उपलब्ध है, तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए और अपने जीवन को सुखमय बनाया जाए। दोस्तों, इस वशीकरण को करने से पुरुष के अंदर आपके लिए बहुत तीव्र आकर्षण पैदा होगा। वो आपके मुंह में पड़ जाएगा और आपके कहे अनुसार ही कार्य करेगा। तो आइए बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। आपको अपने मासिक धर्म के 2 दिन इस उपाय को करना है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस विधि को करने के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी और आप इस अचूक विधि को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपके मासिक धर्म का कपड़ा, नींबू, मिट्टी का मटका और लाल कपड़ा। बस इतने ही सामान से आप अपने प्रेमी और अपने पति को अपने वश में कर सकती हैं, अपने प्यार के बंधन में हमेशा के लिए बांध सकती हैं। और हाँ दोस्तों, ये बहुत ही प्रचंड विधि है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि इसके एक बार करने के बाद वो व्यक्ति सारी उम्र आपका ही होकर रह जाएगा और इस विधि का कोई तोड़ भी नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए अब इस विधि को कैसे करना है उसका तरीका बताती हूँ। आपको सबसे पहले अपनी तर्जनी उंगली पर ये रक्त लगाकर तिलक करना है, फिर हाथ में नींबू लेकर उस पर सिंदूर लगाते हुए इस मंत्र का उच्चारण 11 बार करना है। मंत्र इस प्रकार है, योनि मंत्र शरीरया कुंजवासिनी कामदा। और फिर नींबू को मिट्टी के मटके में डालकर लाल कपड़े से बांध देना है और बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना है। 2 दिन ये करने से आपका पति पराई स्त्री को छोड़ देगा और सिर्फ आपसे ही प्रेम करेगा। तो बिना समय बर्बाद करे वशीकरण प्रयोग करें और अपने पति या अपने प्रेमी को अपने पास ले आए। कोई और समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु जी को कॉल कर अपनी परेशानियों से निजात पाइए। नमस्कार।